बहुत ही सब करना पड़ेगा हमें, अब करना पड़ेगा। तो साड़ी का पैकेट आना घर पे, हाँ उसको अच्छा से संभाल के कहीं छुपा के रख देना। जी विद्वान सिंह का कुरियर आया है। दिव्या भाई ले लो भाई, का सामान आया है अब कहते हैं सही कर देना, हम हाथ धो के आ रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम ले जाओ उसके सामने दिखाना, अब तब नहीं सबको विश्वास होगा फूफा तुमको कितना मानते हैं। तुम कह रहे हो तो हम दिखाई देते हैं आज। है तुम क्या छुपा रही हो? हम कुछ भी तो नहीं है मिस्टर। दिखाओ 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 क्या है हाथ में। अरे अरे दिखाओ। आज बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं ना आजकल आप बहुत सखी मिसाज के हो गए। अरे मैंने कहाँ शक किया मिस्टर जी, कुछ नहीं है। आओ चलो चलिए। तो कुछ नहीं है। बाय। कुछ नहीं है, बताओ कुछ नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम बताते हैं कि बात क्या है। हमारा मतलब है कि जो बात हम बताना चाहते हैं वो ये बात है कि आपसे बात किए हुए कितना टाइम हो गया, हमारा मन कर आपसे बात करने का, हम छत पर बैठ के बताते हैं। सच्ची सिस्टर जी? सच्ची मुच्ची। हाँ ये ठीक रहेगा, छत पे चलते हैं। अब कितने दिन हो गए मिस्टर जी, हमने बात ही नहीं की, अब छत पे जाके बतिया है। अरे लेकिन ये कौन सा टाइम है छत पे जाके बात करने का? अभी कौन सा? लेकिन लेकिन नहीं मिस्टर जी, चलिए ना, कितना मिस करते हैं हम आपको। अच्छा आओ विशु। हाँ चलिए सिस्टर जी चलिए, छत पे चलते हैं। चलिए छत पे चलते हैं। मिस्टर जी मैंने बात खोली है। भैया तो हमसे छुपाया जा रहा था, छुपाया जा रहा था, पता नहीं क्या ऐसा छुपा के रखा। लेकिन हमसे छुपाएगा रही थी अगर हमने लाए तो। ये तो कुछ बहुत अच्छा सा ऐसा लग रहा है, हमारे लिए कपड़े आए हैं। हमसे नहीं सुना जाएगा ये सब, हम नहीं देख सकते। अरे अभी खोल के तो देखिए इसमें है क्या। अरे वाह क्या बात है, हमको लग रहा है हमारे लिए कपड़े आए हैं, और इसमें तो कोई अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। हाँ भैया आप तो सही कह रहे हैं। विशु जी प्लीज प्लीज मत खोलिए। मिस्टर जी आपसे उका कहते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मत खोलिए ना। फंसा दिया। ओह वाओ दिस इज सो प्रिटी। अरे वाह ये तो बहुत ही प्यारी है। और रागिनी तुम तो इसे पहन के एकदम अलग लगोगी। बेचारे सृष्टि जी इसे पहन के तो अपने साथ पूरे गांव में घूमिएगा, देखना सब लोग आपको देखते रह जाएंगे। देखा विशु इसे कहते संस्कार, आजकल की लड़की होके भी देखो ना कितनी अच्छी चीजें ऑर्डर करती है हमारी वाइफ। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, पापा है ना हमें कहते थे कि संस्कार ही लड़कियों का गहना होता है। संस्कार? अरे खाइए आए लल्ली चाय, खाए आए समोसा कैसा लगा है, खास ना आपके लिए मंगवाए थे, बहुत अच्छा है। ए दुलारिया कहाँ रह गई भाई? आई का है दुलारिया? फुआ ई ना गिफ्ट है तुम्हारे लिए, फुफा तुम्हारे लिए कहे तुमको देने। फुफा लाए हैं फिर से? कहाँ बताएं हम ना, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम पर बहुत सोभेगा, तुम इतना खुश हो जाओगे कि मुंह तुम्हारा खुला का खुला रह जाएगा। कहाँ बताएं, जब देखो तब विदेश से आई, देखिए हमारे लिए विदेश से तोहफा मंगाते रहते हैं, क्या करे इतना प्यार करता है हमसे। अब जानती हो फूफा क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे ना कि पहनने ओढ़ने का चीज तुम पर बहुत फबता है। कहा है ऐसा, तुम सब कहते रहते हैं तुम्हारे फूफा इनके सामने, कहा गए हमको शर्म ना आता है। पिछली बार तो इतना अच्छा चीज मंगाए हमने, कहे देखे नहीं बताए हमको ना, दिखावा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप देखेगा बहुत अच्छा चीज लाए। सही बात कर रही हो, इसे भी बड़ा आदमी कहाँ दिखावा करता है, दिखावा तो बड़ा आदमी का तो ऐसा ही दिख जाता है। इन कपड़ों को देखकर तो चाचा पापा दोनों खुश हो जाएंगे। चाचा जी और पापा भी, हे भगवान क्या सुन रहे हो। इवन माँ भी खुश हो जाएंगी ये पहने देख के। रागी ने ये पहन के मेरे साथ बाइक राइड पे चलोगी? सृष्टि जी इसे पहन कर है ना अब बहुत प्यारी लगेंगी। और रागिनी तुम भी बहुत हॉट लगोगी इसे पहन के तो। ये देखो तो देवर जी को बहुत सीधा समझते, तो दोनों बहुत हमारे तो बिना लंदन जाए ऐसे हो गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें छिपने छिपाने वाली कौन सी बात है। इसलिए कि चाचा और पापा ना देख ले। साड़ी तो तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। साड़ी? हाँ सृष्टि जी साड़ी तो आप रोज पहनती हैं, तो हमसे छिपाए कह रही थी। साड़ी
साड़ी? साड़ी? तुम तो हुई मुझकी। अरे इसमें छुपाने वाला क्या है? तुम तो ऐसे छुपा रहे हो जैसे इसमें कोई एटम बॉम्ब हो। साड़ी? हाँ साड़ी को साड़ी कहते हैं ना। हाँ। विद्वान सिंह कौवा सृष्टि। Oh my God. आज बहुत सारे गिफ्ट आ रहे हैं। अभी पापा ने मम्मी के लिए कुछ मंगवाया। इसका मतलब ये पैकेट सासू। इसका मतलब ये सासू माँ के पैकेट के साथ चेंज हो गया का? अभी सासू माँ को उस पैकेट को खोलने से रोकना होगा। चलिए। अरे तुम लोगों को क्या हो गया? कौन से पैकेट की बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा है किसी पैकेट में कोई टाइमिंग बॉम्ब फिट हो। टाइम बॉम्ब नहीं, आइटम बॉम्ब। आइटम एटम बॉम्ब। आइटम बॉम्ब नहीं, हमारा मतलब है एटम बॉम्ब, मतलब धमाका हो जाएगा। आप लोग चलिए। अरे मिस्टर जी, धुआं धुआं हो जाएगा। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। बहुत दिन हो गया, पहले शरबत वरबत ले आए। हाँ शरबत ले आते हैं। ना कुछ भाभी, भाभी आप कौन से आइटम बॉम्ब की बात कर रही थी? हट गया हूँ आइटम। क्या? से कह देती मैं मंगवाते था थोड़ा और छोटा। जाओ, मैं संभालती हूँ। जाओ। अब तो तुझे ही मोर्चा संभालना होगा रोहिणी। वह हमको लगता है ना कि फूफा फराक था तुमको कीन दिए हैं। अब बाकी छोट है ना। कहाँ से लाई हुई? अरे काहे को डांट रही हो बिचारी को? अरे भाई साहब इतना प्यारा गिफ्ट लाए हैं आपके लिए, अरे मन से स्वीकार कर लो ना। अरे ललिता भाभी, बहुत हंसी आ रही है आपको, आप सबको भी है? वो तो कुरियर वाले का गलती हुआ होगा। क्या हुआ? एक बार हम मंगाए मोबाइल और निकला ढेला, बताइए। तो कृपा करके अपने दांत ज्यादा दिखाइए नहीं, अपने मुंह में ही रहने दीजिए। हाँ चलो बहनों, आज का चाय पार्टी तो बड़ा ही मजेदार रहा। मजेदार का कहो को? शानदार एकदम। अरे बिना पैसे का इतना अच्छा देखने को मिला, क्या करें, बहुत ही मजेदार पार्टी था। रेवती भाभी का पारा चढ़ गया है, ये बच्चे बिना कुछ भी कर देते हैं। अब बताओ कितना बेइज्जती हो गया आज तुम्हारा है। बड़का फूफा को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा।
पक्का सोच के उगी फटलाए होंगे तुम्हारे लिए। वो सोचे होंगे कि तुमको मिलेगा तो कितना खुशी होगा ना। दूगो सिल्ली का साड़ी सोचे होंगे, एगो तुम रख लोगी, एगो दे दोगी अपनी दुलरिया को। लेकिन अच्छा ठीक है, मैंने दोनों तुम रख लोगी, हमें किसी आने का कौन बात है। दुलरिया, तुम्हारे फूफा ने ना ये साड़ी मंगाया होगा वो अप्सरा साड़ी वाले से, अभी ना उनको फोन करके उनका मुंह धुतते हैं। इतना हिम्मत! अरे फुआ छोड़ो ये सब, हम तो कहते हैं कि हमको जो खीस है ना उबर आया ये सारा सारी बारे में। अब बताओ उसको अगर चोली ये भेजना था तो निमन भेजता, एक विदेशी स्टाइल का चोली भेजने का था। हेलो, हम विद्वान सिंह जी का पत्नी बोल रहे हैं। अरे तुम लोगों का माथा खराब हो गया है का है? अरे नशा उसा करके धंधा कर रहे हो क्या? हुआ मैडम, कुछ गलती हो गया क्या? गलती हो गया है? अरे तुम लोगों से उन्होंने साड़ी ना मंगवाया था, है? कहाँ भेज दिया है? क्या? ऑरेंज रंग? अरे जो भेजे है वो भी ऑरेंज रंग का है। हम तो अपना जुबान से ना बोल भी नहीं ना पा रहे, इतना बेहुदा चीज भेजे हो। तुम ना हमारे देवर जी का गुस्सा जानते हो ना? वो तुमको बताएंगे। हाँ हम कह रहे हैं, तुम्हारा वजह से जो है हमारा कितना बेइज्जती हुआ है सबके सामने। दुलरिया, वो तो कह रहा है कि दोनों साड़ी जो है वो अपना हाथ से ना पैक किया था, एक लाल एक नीला। अगर अपना हाथ से पैक किया था तो क्या कर गलती है? आई तुम्हारा ये जिगी फट का पैकेट है, दिव्या के सामने आया था, चाहे तो पूछ लो। ए दिव्या, बताओ। हाँ माँ, डिलीवरी बॉय से हमने पैकेट लिया था, लेकिन दो पैकेट आए थे, एक पापा के नाम का और एक भाभी के नाम का। भाभी के नाम का? वह हमको लगता है ना कि वो तुम्हारा उजे दुन्नू सिलिक का साड़ी है, तो वो चल गया उस सब के पास। उस सब का ये उल्टा सीधा सामान है ना, वो तुम्हारे पास चला है। अच्छा, तो अभी सब सामान मंगाया जा रहा है। इन दोनों का इतना मन पड़ गया है, आज हमको लग रहा है बुआ के माथा पर चंडी सवार है। दिव्या, आज कोनो ना कोनो पर गाज गिरेगा, बता रहे। दुलारी दीदी, हम तो निकल रहे हैं। अफुआ हमको दिखाते कई फोन में मुझे उसी सब का बात कर रही है। अब बताओ कितना मजाक उड़ाया जा रहा है तुम्हारा है? अब हम तो कहते हैं कि चार लोग के बीच का बात था, चौराहा पर पहुंच गया, ऐसा हुआ है खाली दोनों भौजाई की वजह से। बताओ काका हो रहा है, काका तैयारी चल रहा है। डर तो ये बात का है कि मन्नत में अब खाली चार दिन बचल है, ये तैयारी। दुलरिया, चार दिन का जो मन्नत है ना, हम इतना आगे बढ़ा देंगे कि रागिनी चार चरम तक जो है हमारा अनुराग से मिल नहीं पाएगी। सासू मैया, वो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, हो सके तो एक बार फिर से माफ कर दीजिए हमें। यही सोच सोच के हैरानी हो रही है कि हमसे कैसे ये बेशर्मी हो गया मिस्टर जी। हाँ माँ, रागिनी एकदम सही कह रही। देखिए, ये ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। मैं समझाऊंगा ना इसे, ये मानेगी मेरी बात। देखो रागिनी, ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना, ये सब तुम अपने मायके की तरफ रखो, ये सब यहाँ पहनने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? माँ मानेगी बात। हाँ, पहने ओढ़ने का ढंग जो है कपड़ों का, वो अब हम मिस्टर जी से सीख लेंगे। आप माफ कर दीजिए। हाँ माँ, मैं सब समझा दूंगा, इसे माफ कर दीजिए। लेकिन माँ एक बात और, अगर रागिनी ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनेगी तो क्या कमाल लगेगी ना, मतलब मजा आ जाएगा। ऐसे माफी मांगिएगा सासू मैया से आप मिस्टर जी? तो कैसे माफी मांगू, मैंने गलत क्या बोला है? हाँ, मैंने गलत क्या बोला रागिनी? अरे मैं मेरी माँ से कैसे झूठ बोल सकता हूँ, जो सच है वही बोलूंगा ना। लगोगी तो लगोगी, छोटे छोटे कपड़े पहन के कितनी अच्छी लगी।
ऐसे सारी मांगेंगे ना आप तो सासू मैया जो है ना वो आपको लंदन का टिकट पकड़ा देगी और हमें हमें तुम्हारे बाबूजी के यहाँ वापस पहुँचा देगी। वो एक तुम्हारे यहाँ पे प्राण संकट में और मिश्रा जी आपको जो है वो मजाक ही सूझ रहा है। अरे मजाक नहीं सूझ रहा, मजाक सिर्फ इनको नहीं सूझ रहा है, वो है ना इनके छोटे भाई, वो भी हमें चुपके सुनाए जा रहे हैं। क्या बात है? देवर जी भी? हाँ। रागिनी हमने सोच लिया, हम सासुमा को कह देंगे कि ये लोग जिद कर रहे थे इसलिए मजबूरन हमें वो कपड़े मंगवाने पड़े, तो ये जाने और फिर इनकी माँ जाने, ये ठीक रहेगा। हाँ सृष्टि जी, आप झूठ बोलेंगी? हाँ तो और हम का करेंगे जब आप दोनों जो है हमारा साथ ही नहीं देंगे। हाँ सृष्टि ठीक रहेगा, जाके सासू मैया को बता देते कि उनके दोनों लड़के जो है ना कितने उतावले हुए जा रहे हैं। हाँ ये ठीक रहेगा और सासू मैया हमारी बात सुन भी लेगी। चल अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो यार? वो कहते हैं ना अनुराग जी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है। हाँ और हम दोनों जो है और दोनों से प्यार करते हैं ना तो ईद झूठ में भी सब जायज है। चलो सृष्टि प्यार के लिए हमारी माँ से क्यों जंग करवा रही हो? हाँ भैया, अगर इन्होंने जाकर माँ को बता दिया तो माँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी? आपके बारे में क्या सोचेंगी? वाह विशु जी, मतलब आपको सिर्फ अपनी चिंता और हमारा क्या? अरे बात चिंता की नहीं है, आखिर वो माँ है हमारी। हाँ तो वो माँ है तो फिर हम कहाँ है? देखो अरे अभी तो बीवी है ना, मतलब क्या हुआ बताओ हमें। बुआ बहुत अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गई, अब आप ही बताइए कि हम सासू मैया से जो है माफी कैसे मांगे। और उनके चक्कर में ना भाभी का पारा सातवें आसमान पे चढ़ा होगा। हमारी वजह से बहुत इंसल्ट हुई है उनकी, आप बताइए ना। लेकिन तुम चारों चिंता मत करो, हम इन मुश्किल में से निकलने का कौनो रास्ता सोचते हैं। अब काम करते हैं कि हम भी जो है अपने अड्डे पे चलते हैं, अगर सासू मैया ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो कौन नया बवाल चालू कर देंगे। बहुत बड़ा बवाल, हमारी सासू मैया सोने जा चुकी तो अपना ये झूठ मूठ का जो झगड़ा चल रहा था ना अभी तो थोड़ी और देर चलने दो। अरे माँ सो गई है ना तो रागिनी तुम यहीं रुक जाओ। वैसे भी झूठ मूठ के झगड़े से ना प्यार और गहरा होता है। अरे दुलरिया कुछ लेने आई हो? लेने नहीं आए हैं, देने आए। आई लो तुम्हारा सामान। सामान? अब दुलारी दीदी, सासू माँ कुछ कह रही थी हमारे बारे में ना। कुछ ना कर रही थी। अच्छा, बाकी हमको करना है, कहा है ना कि तुम दोनों का पसंद खूबे बढ़िया है, जे इलायती चोली है ना दमे लहरदार है। नमस्ते कर रही है, चल कहा जाएगी? देखा तुम दोनों फिजूल ही परेशान हो, हम चलते हैं। सच में ऐसा लग रहा है दिमाग से ना कोई चिड़िया निकल के उड़ गई। चलो चलते हैं। चलो सुनो दीदी, मैं क्या कह रहा था, ये ऑरेंज वाला पहन के दिखाओ। आप भी ना एकदम शर्म लग जा चुका है, वो घोल के पी गए। अभी कहाँ पिया है, अभी तो पूरा पी गए। अभी जो है ना अभी उसका वक्त नहीं आया, थोड़ा सब्र रखिए, वो वक्त भी आएगा। गुड नाइट सृष्टि जी। गुड नाइट विशु जी। ओ सृष्टि जी, वो जो कुछ भी हुआ ना वो हमारी गलती नहीं है, वो तो भैया बोल रहे थे तो वो सब फिर हमको भी थोड़ा साथ देना पड़ गया। कोई बात नहीं, ठीक है इधर तुम आओगे। सासुमा सासुमा चुप आई नहीं है, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई तो चले। तुम भी ना सासु माई नहीं, हम डर गए तो हमारा दिल ना एकदम घबरा गया। पहन लो। हे दुलरिया, ये मंदिर का जो है उस साफ सफाई हुआ है कि नहीं है? सासु मैया वो मंदिर साफ करने का जिम्मेदारी आप हमें दिए थे, वो अभी कर कर आते हैं। रागिनी रुको, हाँ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। हाँ चलो 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 चलो,
अरे एक मिनट, काहे तुम दोनों इतना घबरा रहे हो हैं? बैठो यहाँ। अरे मंदिर तो हम ना दुलरिया से साफ करवा लेंगे। अरे बैठो। अरे विशु तुम मत रुको, मैं हूँ ना। अच्छा हो बेटा तुम दोनों भी आ गए हैं। आज तुम भी यहाँ बैठ जाओ, तुम चारों जाओ हमारे पास बैठ जाओ। हाँ माँ, आओ ना विशु। बैठो बेटा। अरे बैठो पौरानी।